नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिग बुल मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करने वाले हैं भूस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आप लोगों को बताएंगे कि इसका ट्रेलर कब रिलीज हो रहा है, और साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे तीसरी मूवी यानी कि अक्षय कुमार की बैल बॉटम के बारे में, और बताएंगे कि यह सिनेमाघरों में कब रिलीज हो रही है, और इन दोनों मूवियों के कलेक्शन के बारे में बताएंगे कि अपने पहले दिन कौन सी मूवी मार रही है अपने बॉक्स ऑफिस पर बाजी। और दोस्तों, वहीं बात करेंगे कि यह मूवियाँ जो कि अभिषेक बच्चन की फिल्म बिग बुल को पीछे छोड़ देगी कलेक्शन के मामले में कि नहीं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। दोस्तों, आप लोगों को पता ही चले कि अभिषेक बच्चन की फिल्म बिग बुल मूवी जो कि बहुत ही जोरदार मूवी साबित हुई है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप लोगों को पता ही चले कि अभिषेक बच्चन की बिग बुल मूवी जो कि 2021 में ही सिनेमाघरों में ना रिलीज करके इस फिल्म को जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह मूवी बहुत ही जोरदार तरीके से कलेक्शन कर गई अपने, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से कलेक्शन किया और कारोबार किया। दोस्तों, आप लोगों को पता ही चले कि 1992 के ऊपर बनाई गई ये फिल्म जो कि बहुत ही जोरदार और बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों, इस फिल्म में जो कि शेयर मार्केट में जोरदार तरीके से घोटाला हुआ था उसी के बारे में बताया गया है, और उसी के बारे में दर्शाया गया है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है किस तरीके से बैंकों को चूना लगाया गया है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही चले कि बिग बुल मूवी में आप लोगों को इलियाना डिक्रूज और निकिता दत्ता नजर आएंगी अभिषेक बच्चन के साथ। दोस्तों, वहीं आप लोगों को बता दें कि बिग बुल मूवी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो बिग बुल मूवी ने अपने पहले ही दिन 15 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर। वहीं दूसरे दिन बिग बुल मूवी ने जो कि आप लोगों को पता चले कि 5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था अपने ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि बिग बुल मूवी ने अभी तक जो कि 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया है अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगर आप लोगों ने बिग बुल मूवी देखी है तो आप लोगों को बिग बुल मूवी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल पर अगर जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि हमारे ऐसे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों, वहीं बात कर लेते हैं दूसरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही चले कि दूसरी मूवी बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया यानी कि अक्षय कुमार की फिल्म बैल बॉटम के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही चले कि बैल बॉटम जो कि बहुत ही जोरदार मूवी साबित होने वाली है, इस मूवी को भी 2021 में ही रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को पता ही चले कि बैल बॉटम में जो कि अक्षय कुमार बहुत ही जोरदार तरीके से लुक में नजर आएंगे आप लोगों को, और दोस्तों आप लोगों को चले कि अक्षय कुमार बहुत ही शानदार और बहुत ही डेशिंग लग रहे हैं। दोस्तों, बेल बॉटम का जो कि धमाकेदार एक टीजर निकाला गया था जिसमें बेल बॉटम की ड्रेस पहन के अक्षय कुमार बहुत ही जोरदार तरीके से लुक में नजर आ रहे हैं, और दोस्तों आप लोगों को पता चले कि यह मूवी जो कि एक्शन से भरपूर होने वाली है। दोस्तों, वहीं बात कर लेते हैं बेल बॉटम के रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चले कि इस फिल्म को भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को पता चले कि बेल बॉटम मूवी जो कि 27 जुलाई के दिन आप लोगों को बॉक्स ऑफिस पर भी देखने को मिलेगी, और 7 दिन बाद इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दी चले कि बाल बॉटम अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है। तो दोस्तों, इससे पहले बता दें कि अक्षय कुमार की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है, और अक्षय कुमार को बहुत ही ज्यादा लोग प्यार करते हैं, और इनकी मूवियां बहुत ही ज्यादा लोग पसंद करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अक्षय कुमार की हर मूवियों में कुछ सीखने को मिलता है और कुछ ऐसी चीजें रहती है जिससे कि लोग इंस्पायर होते हैं। दोस्तों, बाल बॉटम अपने पहले दिन जोरदार तरीके से कारोबार कर सकती है अपने ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर और अपने बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दी चले कि बाल बॉटम मूवी अपने पहले दिन कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए का कारोबार करेगी ओटीटी पर। और दोस्तों, वहीं बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस पर ये कितने करोड़ रुपए का कारोबार करेगी यानी कि ये सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है। दोस्तों, आप लोगों को बताया चले कि अगर ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होती है तो दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि जोरदार तरीके से कारोबार करेगी अपने सिनेमा घरों में। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ये जो कि 20 से 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है अपने सिनेमा घरों में। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि बहुत ही जोरदार और बहुत ही लाजवाब मूवी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने बेल बॉटम का टीजर देखा था, आप लोगों को बेल बॉटम का टीजर कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, और साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि अक्षय कुमार की मूवी बेल बॉटम का इंतजार कितनी बेसब्री से आप लोग कर रहे हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। दोस्तों, वहीं बात कर लेते हैं तीसरी मूवी के बारे में। बॉलीवुड के सिंगम भैया यानी कि अजय देवगन साहब की फिल्म जो कि भूस, जिसका आज शानदार तरीके से टीजर निकाला गया और बहुत ही जोरदार और बहुत ही धमाकेदार था। और दोस्तों, आप लोगों को बताया चले कि भूस मूवी का जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेज है, और जो कि आप लोगों को पता ही चले कि अजय देवगन साहब की बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग है और इनकी मूवियों को बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही चले कि भूस मूवी में जो कि आप लोगों को अजय देवगन साहब के साथ साथ आप लोगों को जो कि बहुत ही जोरदार तरीके से डांस करते हुए नजर आएंगी नोरा फतेह अली भी इस मूवी में। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही चले कि इसमें जो कि आप लोगों को बहुत ही जोरदार तरीके से लुक में नजर आने वाली हैं सोनाक्षी सिन्हा। वहीं दोस्तों, जो कि मुन्ना भाई मतलब कि आप लोगों को पता ही चले कि संजय दत्त भी इस फिल्म में आप लोगों को नजर आने वाले हैं। दोस्तों, ये
ये मूवी बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इसका टीजर दिखाया गया और जिस तरीके से इसका पोस्टर निकाला गया, रिवील किया गया, जिस तरीके से लुक दिखाया गया है इस मूवी के, दोस्तों बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार लग रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को बताने चले कि भूज मूवी का बस बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है, अजय देवगन की फैन फॉलोइंग तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताने चले कि जिस तरीके से इस फिल्म में कास्टिंग की गई है, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताने चले कि इसमें संजय दत्त भी हैं, जिसके कारण इसका बस और भी ज़्यादा बन गया है, सोनाक्षी सिन्हा के कारण इस फिल्म का क्रेज और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और दोस्तों आप लोगों को बताने चले कि इस फिल्म का क्रेज इतना बढ़ गया है कि इस मूवी को जो कि बहुत ही जल्द ही आप लोगों को OTT प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार को देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को बताने चले कि ये अपने पहले दिन जोरदार तरीके से कारोबार कर रही है, अपने पहले ही दिन ये कम से कम 16 से 17 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है OTT प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अजय देवगन साहब की फिल्म और बेल बॉटम को पीछे छोड़ पाएगी नहीं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस यानी कि OTT बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार साहब की फिल्म बेल बॉटम करेगी या भूज मूवी करेगी, आप लोग हमें ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल अगर GBC ब्रेकिंग पे आप लोग नए हैं तो हमारे और आपके चैनल GBC ब्रेकिंग को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।